डॉक्टर सैफुद्दीनना मुब्तुल सैफुद्दीन यांच्या 78व्या जयंतीनिमित्त उमर सेहत अंजुमन ए नजमी यांच्या वतीने रविवारी पनवेलमध्ये वॉकथॉनचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात नागरिकांचा उत्तम प्रतिसाद लाभला. पनवेल टपाल नाका येथील मस्जिद ते करंजाडे आणि पुन्हा फिरून मस्जिद अशी वॉकथॉन झाली. या वॉकथॉनमध्ये 550 अधिक लोकांनी सहभाग घेतला. आमदार प्रशांत ठाकूर आणि पनवेल महापालिकेचे सभागृहनेते परेश ठाकूर यांनी या सहभाग घेतला. त्याचप्रमाणे दाऊदी बोहरा समाजाचे मुतुजा हसनी, उमर सैयदचे व्यवस्थापक सैफुद्दीन भरमल, सचिव अली अकबर सद्रीवाला आदी उपस्थित होते. यावेळी प्रमाणपत्र देण्यात आले. यांना सारखे आदेश दाऊदी बोहरा समाजने आज सबसे वॉकेथॉन का आयोजन किया हुआ है और उसके लिए आज यहाँ पर हम सारे लोग भी उपस्थित हैं. हमारे अभिनयन सभी आप यहाँ पर उपस्थित परेश ठाकुर जी सभी समाज के सैयदना साहब ने जो आदेश किया उसको पूरी तरीके से जोर शोर से पूरा करना है ये समझ के इसमें जो पार्टिसिपेट करें समाज के सभी वरिष्ठ लोग. मैं इस बात को जरूर मानता हूँ सैयदना साहब का आदेश है बहुत ही मैं कहूँगा कि चुस्ती के साथ में इस आदेश को पूरा करने के लिए उपस्थित हुई हमारी महिला सभी बहनें और सभी हमारे सारी यूथ की. सबसे पहले तो मैं सैयदना साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने समाज के लिए एक ऐसा कदम उठाया. आदेश तो दिया पर आदेश ऐसा होता है कि जिससे जिसको आदेश दिया है उसकी भलाई हो, तो ये समाज के लोगों के भलाई के लिए उठाया गया कदम है. और मुझे पूरा विश्वास है कि आज से शुरू होने वाला आपका एक एक कदम ये वॉकेथॉन में एक एक कदम मिलकर 5,800 आज हो गया भी इसी तरीके से ये कदम और बढ़ते रहेंगे और इसके माध्यम से फिटनेस की ओर आप सब लोग आगे बढ़ते रहेंगे. जैसा कि अभी आपने बताया कि 1.5 साल का लगभग कोरोना की वजह से लॉकडाउन था, हमने अपने नज़दीक के बहुत सारे लोगों को खोया है. तो कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि मॉरल भी डाउन हो जाता है. अभी ये मॉरल को बूस्ट करने के लिए सैयदना साहब ने जो आदेश दिया हुआ और जो आपने आज दिन चुना 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे देश के स्वतंत्रता के बाद पहले होम मिनिस्टर जिन्होंने इस देश को यूनाइट करने के लिए एकजुट रखने के लिए बहुत कदम उठाए. उस वक्त शायद लोगों ने उनको कहा होगा कि ऐसा कर रहे कि हमारे ऊपर ज़बरदस्ती है, पर जब बाद में आज हम देखते हैं कि हमारा देश एकजुट हुआ है तो आज का दिन हम कहते हैं कि एकता का दिन है, डे ऑफ यूनिटी है और इसको एकता दिन के स्वरूप में पूरे देश भर मनाया जाता है. तो आज ही के दिन सैयदना साहब ने इसको करना ये कोइंसिडेंस होगा पर उसके माध्यम से आज हमें सही रूप में एक ताकत के साथ आगे बढ़ने का एक हौसला भी हमारे आदरणीय सैयदना साहब ने दिया है. मैं उसके लिए भी एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ.